राजनगर, अर्थात राजाओं का नगर कभी यह बंगाल के वीरभूम की राजधानी हुआ करता था और यहां पाल वंश मुगलों तथा तो अंग्रेजों ने शासन किया इसके इतिहास को अगर देखें तो यहां राजशाही के उत्थान पतन की अनेकों कहानियां सुनने को मिलती है आज भी यहां रहने वाले लोग उन घटनाओं का जिक्र करते नहीं थकते आज हम पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वीरभूम की राजधानी राजनगर के बारे में बताएंगे जो आज इतिहास के पन्नों में अपनी पहचान खोता जा रहा है बस बची हुई है तो सिर्फ राजाओं के किस्से और कहानियाँ देश के उत्तर पश्चिम दिशा से तीन राजकुमार बंगाल में पहुंचे हुए थे जिनका नाम था बीर सिंह चैतन्य सिंह तथा फतेह सिंह तीनों ने तीन राज्य की स्थापना की थी वीर सिंह ने बीरभूम जिसकी राजधानी राजनगर तथा अन्य दोनों राजकुमारों में चैतन्य सिंह ने चैतन्यपुर जो वर्तमान में वर्धमान तथा फतेह सिंह ने फतेहपुर जो वर्तमान में मुर्शिदाबाद नाम से जाना जाता है 1226 सौ ईस्वी में बंगाल के सूबेदार यासुद्दीन ने कई बार हमला किया पराजित भी हुए लेकिन अंततः उन्होंने वीरभूम पर कब्जा कर लिया यासुद्दीन के मौत के बाद यह क्षेत्र फिर से वीर राजाओं के कब्जे में आ गया बारह से सोलह सौ ईस्वी तक तीन सौ तिहत्तर साल तक वीरभूम में वीर राजाओं का शासन बना रहा एक बात बताना जरूरी है कि वीर राजा की उपाधि इन्हें मिली हुई थी सभी वीर राजा के नाम से जाने जाते थे तो इसमें वीर राजा रहता था हाँ। तो वीर राजा का वो जो रानी था ना तो वहाँ का महाकाली का वो स्थान हुआ ये पोखरा था वो राजा इस यहाँ से अंतर्ग्राम जाकर के माताली को वहाँ पर पूजा करता था उसका बाद यहाँ पर कुछ हुआ है विधि विधान से कोई दिक्कत कोई आम पब्लिक कुछ किया है माँ यहाँ से चला गया भांडीवन वहाँ भी है वीर राजा का ये महल कभी गुलजार हुआ करता था और राजा इस महल में रहकर ये बताते हैं लोग कि इसके नीचे से गुप्त द्वार था और उस गुप्त द्वार के माध्यम से राजा वहाँ आप दिखाएंगे हम आपको वो जो देख रहे हैं वहां माँ काली का मंदिर था और उस मंदिर में राजा नीचे से गुप्त रास्ते से पूजा करने के लिए प्रतिदिन जाते थे लेकिन मुगलों के आक्रमण के बाद यह माँ काली का जो ये ये जो मंदिर था वो यहाँ से भ्रष्ट हो गया ऐसा कहा जाता है तब से जो है यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है और ये आज भी उसी तरह पड़ा हुआ है हालांकि इस गुप्त द्वार के बारे में आज तक न कोई खोज की गई है न कोई खोज खबर ली गई है और ना ही लोग बताते हैं कि यहाँ गुप्त धन भी बहुत है लेकिन उसकी खोज खबर आज तक नहीं ली गई है बीरभूम के चर्चित राजाओं में राजा वसंत सिंह राय का उल्लेख आता है जो वीर राजवंश के पहले राजा थे उस समय राजनगर लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था और यह वीरभूम की राजधानी हुआ करती थी यह बात बारह सौ ईस्वी के समय की है उनका पहला राजभवन वर्तमान में झारखंड के प्रवेश द्वार के पास है यहां एक तालाब है जिसे छोटा कालीदह के नाम से जाना जाता है राजभवन के अलावे तालाब के बीचों बीच माँ काली की मंदिर स्थापित थी यहां से नए राजभवन तक जाने के लिए सुरंग के माध्यम से रास्ता बना हुआ था राजा का एक सफेद हाथी काफी प्रिय था उसकी मृत्यु होने पर राजा ने उसे दफन कराया था वर्तमान में लोग उस स्थान को हाथी कबर के नाम से जानते हैं जो वीर राजा था यहाँ पर राजनगर का वो हर रोज जो नहाने जाता था तो वो घर सोर के जाता था उद्धानपुर के घाट में गंगा नहाने के लिए तो वो जाते जाते वो जो सरसों का खेत है ना उसको सरसों चुन के निजे हाथ में तेल निकाल के वो मापता था उसके बाद नहा के वहां पर आता था रोज हर रोज नए राजभवन का निर्माण बाद में कराया गया कब कराया गया इसका उल्लेख नहीं मिलता है इस राजभवन के सामने खुला मैदान है जहां सैनिकों को परेड कराया जाता था बगल में बड़ा सा तालाब आज भी मौजूद है जिसे बड़ा कालीदह के नाम से जाना जाता है यहां तालाब के बीचों बीच मां काली की मंदिर स्थापित थी जिसमें राजा प्रतिदिन पूजा करते थे मुगल वंश के असदुल्ला खां और जोविद खां ने षडयंत्र के तहत अपनी पराक्रम का परिचय देते हुए इस राज्य के सेनापति बने तथा रानी के साथ मिलकर वीर राजा की हत्या कर दी इसके बाद से वीरभूम मुगलों के अधीन चला गया का इतिहास है जो यहाँ वीर राजा था राजनगर में ये मुगल का अगर आगे जो वीर राजा था यहाँ वहाँ वा, जो है जो है वहाँ मंदिर वहाँ था पहले तो वह उधर मुस्लिम का अत्याचार में उधर से भाग के माँ यहाँ तीन तीन बहन था एक यहाँ है एक विश्वपुरपुर विश्वभरपुर है हां. और एक कहाँ है मुझे पता नहीं तो ये दोनों जानते हैं हम जो उधर का अत्याचार से यहाँ माँ के आया बलगज में समा गया वो उधर भी उधर से लोग आया था लेकिन ना पता नहीं मिला उसका उससे उ, उसी दिन से यहाँ भद्र भद्रा माँ था भद्र काली यहाँ ये यह हुआ प्रतिष्ठा हुआ मुगलों ने राजनगर में कब्जा करने के बाद राजनंदिनी भद्रा के अस्मत को लूटने का प्रयास किया सैनिक भद्रा के पीछे दौड़े भद्रा अपनी अस्मत बचाने के लिए नदी किनारे स्थित मां काली के मंदिर की ओर भागी लोग बताते हैं कि मां के मंदिर स्थित बरगद पेड़ के बीच बने खोह में वह समा गई उसी समय से यह काली मंदिर भद्रकाली मंदिर के नाम से मशहूर हो गया पहले का राजा जो था उसका इंतकाल होने के बाद जो रानी थी वो गई थी दौड़ते हुए भद्रकाली के मंदिर पे ठीक है तो मंदिर पे जाने के बाद माँ काली को बोली माँ मेरे को बचा लो उसके बाद जो पेड़ है ना ऑटोमेटिक फट गया उसके बाद वो घुस गई अंदर तो घुसते घुसते पेड़ लग गया तो उसके बाल बाहर आ गया तो बाल अभी तक उसके वहीं पर है पेड़ के बाहर पे तो अभी फिलहाल नहीं मिलेगा पेड़ मोटा गया है पहले का पेड़ था राजाओं के शासनकाल में उनके द्वारा युद्ध में उपयोग में लाए जाने वाले गोला बारूदों को रखने के लिए बनाए गए बारूद खाना आज भी मौजूद है अंदर खूब अंधेरा छाया रहता है और इसकी बनावट भी अनोखी है राजाओं की अगर बात करें तो युद्ध की बात आती है और युद्ध की बात आती है तो गोला बारूद की भी बात आती है हम बात कर रहे हैं राजनगर के राजा का वीर राजा का अब हम आपको बताते हैं ये जो सामने भवन देख रहे हैं ये जो ये जो देख रहे हैं ये उसी समय राजा के जमाने का बना हुआ है और इसे बारूद खाना यानी कि यहाँ पर बारूद को रखा जाता था इसकी दीवारें काफी मोटी है छत भी बहुत मोटा है और बहुत अंदर में बहुत ठंडा रहता है इसको इस टेक्निक से बनाया गया है कि अंदर में ठंडा रहे ठंड बना रहे और यहाँ पर गोला बारूद उस समय रखा जाता था आज के डेट में इसकी ये जो जगह है इसको देख रेख नहीं हो पा रहा है हमारे साथ यहाँ राजनगर के लोकल जो यहाँ रहने वाले हैं जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करेंगे क्या जानते हैं इस भवन के बारे में पुराने तो जो राजा था ना, पहले राम था उन्हें उन्होंने यह बारूद खाना तरीका था बारूद मौजूद था यहाँ पर बारूद किस लिए मौजूद था ये युद्धों के लिए काम आता और इसलिए बारूद मौजूद था वहां पर जब फाका छाद है वहां पर ऊपर में देखिए छाद है, फाका बाली चार चार है। पर बाली रखना चाहिए राजनगर के राजाओं के न्याय व्यवस्था के तहत कैदियों को उस समय फांसी और सूली देने की व्यवस्था थी आज भी वह फांसी घर तथा सूली का स्थान मौजूद है 1855 में झारखंड और पश्चिम बंगाल में संथाल विद्रोह हुआ बंगाल में विद्रोह का नेतृत्व मंगल मांझी कर रहे थे उन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर यहीं पर फांसी की सजा दी थी आज भी वहां गाब का वह पेड़ मौजूद है जिसमें मंगल मांझी को फांसी दी गई थी देख रहे हैं नो सत्तान तकदीर है जो इंग्रेज अमल का जो समय था यहाँ पर जो शांत विद्रोह हुआ था उसको दमन करने के लिए हजार हजार लोग को इस पेड़ में समाधि दिया था फांसी दिया था अंग्रेज अमल का जो अंग्रेज था उसी लोगों ने इसमें फांसी दिया था इस पेड़ में जो ये फांसी घर है ना ये कुला नहीं इसीलिए पेड़ में लटका कर मारा मार दिया था संथाल विद्रोह में हजार हजार संथाल को 1855 में जब संथाल विद्रोह हुआ तो उसका असर बंगाल में भी देखा गया आदिवासी संथाल और पहाड़ियाओं ने मिलकर अंग्रेज के खिलाफ बिगुल फूक दिया मार्शल लॉ लागू किया गया था और यही वजह था बिगुल फूकने का आ उस समय मंगल माझी को पकड़ा अंग्रेजों ने पकड़ा और उन्हें कैद किया और ये जो जगह देख रहे हैं आप यही जगह पर मंगल माझी को फांसी दिया गया था ये आज भी वो पेड़ मौजूद है हालांकि वो टूट चुका है बांधी में पेड़ टूटने के बाद फिर भी अभी वह पेड़ बचा हुआ है जिसमें मंगल मांझी को सरेआम फांसी दिया गया था ये आप देख रहे हैं ये जो बनाया हुआ है ये उसी समय का बनाया हुआ ये बाउंड्री वाल है उस पेड़ में इस, इस यहीं पर उसकी फांसी दी गई थी और यहीं पर उसको दफन कर दिया गया था इसके अलावा हम आपको बताएंगे वो सामने आप हमारे सामने वो देख पा रहे हैं वो वो राजाओं के जमाने का फांसी घर था वहां पर जो है जो भी मुजरिम होते थे उन्हें वहीं पर फांसी दिया जाता था लेकिन मंगल माझी को जो है इसमें फांसी दिया गया था यहाँ खुलेआम विद्रोह करने के बाद यहाँ पर खुलेआम सबके सामने फांसी दी गई थी ये वही जगह है और वही पेड़ आज भी मौजूद है जिसका संरक्षण होना काफी जरूरी है आज हमने आपको जो कहानियां दिखाई है जो यहाँ के राजा के इतिहास के बारे में बताया है अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ट्रेवल विद देवाशीष भारती को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें